ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग जब भी अपनी फोटोज को एडिट करते होंगे लाइटरूम ऐप में, तो आप लोगों को ऐसे बहुत से टूल होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा कि कौन से टूल से आपको कैसा है, मतलब क्या वर्क होगा, तो आपको नहीं पता होगा। एंड गाइस ऐसे मतलब कि बहुत सी फोटोज होती हैं जिसमें कि गाइस आप लोग जैसे मतलब कि आप इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे किसी इन्फ्लुएंसर की फोटो, तो आप सोचते होंगे कि गाइस ये भी लाइटरूम ऐप से ही एडिट हुई है फोटो, लेकिन इसमें ऐसे कौन कौन से कलर हैं जो मतलब कि उनने अलग अलग तरीके से यूज़ किए हैं जिससे कि अलग टोन बनाए। क्योंकि गाइस आप लोग कभी भी अगर लाइटरूम ऐप पर अगर अपनी फोटोज को एडिट करने जाओगे तो आप में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू टोन, ऑरेंज टोन, रेड टोन ये सब डाल पाओगे, बट आप जो है अलग अलग टाइप के मूडी टोन्स नहीं डाल पाओगे। जैसे गाइस आपको साइड में या फ्रंट में आपको दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, इस तरीके से गाइस आप लोग जो ये वाले टोन्स नहीं डाल पाते होंगे। क्योंकि मैं आपको टूल्स बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कहाँ पे यूज़ करना है और कौन से टूल से जब आप छेड़ते हो तो कौन से टूल से क्या वर्क होता है, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग अगर आज ये वीडियो को देख लोगे तो इसके बाद जो आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइस आप लोग इससे जो है कि मतलब कि आपको एडिटिंग के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से टूल से आप कैसे मतलब कि किस तरीके से आप फोटो को एडिट कर सकते हो। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलेगा आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने फोटो को अपनी ऐड कर लिया लाइटरूम ऐप में गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइट करेक्शन की, ठीक है, जो कि मतलब आपकी फोटोज़ में कैसे लाइट कहाँ पे क्या वर्क करता है। तो सबसे पहला जो है गाइस एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या है कि गाइस अगर आप लोग एक्सपोजर को अगर आप बढ़ाते हो, यानी कि एक्सपोजर में क्या होता है कि आपकी फोटोज़ में जितनी भी लाइट है ना सारी वो एक साथ इंक्रीज और डाउन करता है। आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे गाइस उतना ज़्यादा बढ़ेगा और फोटो आपकी उतनी ज़्यादा ब्राइट बड़े हो जाएगी। तो इसको जो आप ज़्यादा कोशिश करो कि ज़्यादा ज़्यादा 2-3% कम करो या 2-3% बढ़ाओ, ठीक है, अपनी फोटो के हिसाब से। बाकी अगर ज़्यादा ओवर एक्सपोज होगी तो गाइस वो तो आपको फिर पता ही है कि इसको ज़्यादा ही कम करना पड़ेगा, और एक्सपोज है ही नहीं तो एक्सपोजर है ही नहीं तो उसको फिर पूरा डाउन करना पड़ेगा। तो अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है गाइस कि आपकी फोटो में जितना भी डार्क पार्ट होगा और जितना भी लाइट पार्ट होगा, जितना डार्क पार्ट होगा उसको उतना ही डार्क करेगा और जितना लाइट पार्ट होगा उसको उतना ही लाइट करेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं हाईलाइट्स की, तो हाईलाइट्स में क्या कीजिएगा अगर आपके फोटो में जो भी पार्ट हाईलाइट हो रखा होगा, जैसे कि जो भी पार्ट ब्राइट होगा उसको वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ब्राइट करने लगेगा। अगर आप बढ़ाओगे तो ब्राइट होएगा और कम करोगे तो वो गाइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है शेडो, शेडो में गाइस देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे जूम करके फोटो दिखा देता हूँ, आपको मेरे दूसरे साइड में फेस की तरफ दिख रहा होगा यहाँ पे शेडो कितनी ज़्यादा डार्क है। तो शेडो में क्या होता है कि गाइस अगर आपके किसी भी पार्ट में अगर शेडो ज़्यादा है तो गाइस अगर आप इसको बढ़ाते हो तो वहाँ से वो शेडो गायब हो जाएगा, और अगर इसको आप डाउन करते हो तो वो वाला पार्ट जो है आपका ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ तो गाइस देख सकते हैं आप इस तरीके से, तो इसको मैं अगर कम कर रहा हूँ तो इतना ही डार्क हो रहा है और जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उतना ही ब्राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। एंड उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे वाइट, वाइट दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे, तो पहले मैं आपको ब्लैक को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे जिस वाइट पार्ट देख रहे हैं आप मेरे शर्ट के ऊपर, अब देखिए मैंने इसको जैसे जितना बढ़ाया ये उतना ही वाइट उतना ही ब्राइट हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए वाइट वाला पार्ट अगर आपके फोटो में स्काई वगैरह भी होते हैं इसमें, बट मेरी इस फोटो में स्काई नहीं है तो मैं इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे वाइट को मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ब्लैक्स हैं, अब ब्लैक्स में देखिए जो भी पार्ट आपका जो भी ब्लैक पार्ट होगा ना इसमें ब्लैक वाला, वो गाइस आप जितना बढ़ाओगे वो उतना ही कम होगा और जितना आप डाउन करोगे वो उतना ही डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही पार्ट वही चीज़ है कि मतलब कि अगर कोई भी अगर वो कोई भी कलर आपकी फोटोज़ में है तो उसको आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे वो उतना ही ब्राइट होगा और जितना कम करोगे उतना ही डार्क होगा। तो बाकी आप कलर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट हमें मिक्स टूल की बात करेंगे। अब गाइस पहले आप ये चीज़ समझिएगा, देखिए जो ऑरेंज कलर जो रेड कलर है ये दोनों एक साथ हैं, एंड ग्रीन कलर और जो ब्लू कलर है ये दोनों एक साथ हैं, मतलब कि भाई बहन वाला रिश्ता है इन दोनों का। ये दो दो कलर जो है यहाँ पे पर्पल और पिंक वाला ये भी, एंड ब्लू और स्काई ब्लू ये दोनों, ठीक है, ये दो इन लोगों का मतलब यूँ मान लो कि भाई बहन का रिश्ता है एक तरफ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो ऑरेंज कलर है, पहले देखिए कि इस ऑरेंज कलर में आप लोगों को जो है यहाँ पे ल्यूमिनस छेड़ना है, ठीक है। आप देखिए कि जो भी आपके पूरी फोटो में जितना भी ऑरेंज कलर होगा ना उसको यहाँ पे ये जो है मतलब कि उसके उसके हिसाब से यहाँ पे ब्राइट करेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे सैचुरेशन कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो देखिए गाइस जितना भी ऑरेंज पार्ट है सब यहाँ पे देखिए गाइस बढ़ रहा है और कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है। जैसे गाइस देखिए मैं सैचुरेशन कम कर लेता हूँ, अब देखिए गाइस ह्यू में आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने ह्यू बढ़ाया तो देखिए ऑरेंज हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको बढ़ाया तो ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब कि इस तरीके से देखिए आपको जो है यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ह्यू जो है आप लोग 2-3% से ज़्यादा ना बढ़ाएं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है, अब आप लोग रेड में देख सकते हैं कि गाइस अगर मैं इसका ल्यूमिनस बढ़ाता हूँ तो ऑरेंज कलर का भी ब्राइटनेस बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, डाउन कर रहा हूँ तो कम हो रहा है। अब अगर गाइस इसी तरह हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे जो है सैचुरेशन भी अगर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे ऑरेंज कलर डार्क हो रहा है, एंड जैसे कि ह्यू को हम माइनस कर रहे हैं तो आप रेड हो रहा है और ऑरेंज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि गाइस भाई बहन का रिश्ता इनका क्यों है, क्योंकि गाइस अगर हम जब तक इनके एक दूसरे कलर को नहीं छेड़ेंगे तब तक दोनों कलर यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे।
करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम येलो कलर की बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले येलो कलर, यहाँ पे देखिए मैं येलो कलर का भी जैसे जैसे छेड़ूंगा तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो है कोई भी येलो पार्ट नहीं है, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बस ये जो पीछे ज़मीन दिख रही है बस उसे ही थोड़ा ऊपर नीचे हो पा रही है, बट बाकी और कोई कलर नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो है येलो कलर नहीं है। तो यहाँ पे येलो कलर लाने के लिए पहले हम ग्रीन कलर का ह्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा बिल्कुल, एंड यहाँ पे अगर हम इसका ह्यू को प्लस करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल येलो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सैचुरेशन भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ पे जो ल्यूमिनस है इसको भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे येलो कलर जो है ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ह्यू बढ़ाया तो अभी देखिए थोड़ा सा ब्राइट हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, ठीक है। अब जैसे सैचुरेशन है अब इसको हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा वर्क कर रहा है और थोड़ा नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ल्यूमिनस है यहाँ पे मैंने इसको बढ़ाया तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे ह्यू कम करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे जो है आप देखिए यहाँ पे हम करते हैं बात ब्लू की, ठीक है। जैसे कि देखिए स्काई ब्लू अब बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ ब्लू कलर है ही नहीं मेरे पे, स्काई ब्लू है ना। तो अब यहाँ पे मेरी पैंट है यहाँ पे ब्लू कलर की, तो अब उसको उसके ऊपर ही वर्क कर सकता है, बट कैसे करेगा उससे पहले जो मेरे को अभी ब्लू कलर में जाना पड़ेगा, स्काई ब्लू तभी वर्क करेगा। जैसे कि मैं स्काई डार्क ब्लू में गया, यहाँ पे मैंने इसका ह्यू बढ़ाया आगे की तरफ तो ये गाइस ऑटोमेटिकली चलने लग गया गाइस, ठीक है। देखिए जिसके मतलब मैंने यहाँ पे बढ़ाया इसको तो ये देखिए, अब देखिएगा अब इसमें यहाँ पे मैं स्काई ब्लू आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ। देखिए स्काई ब्लू मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमिनस कम कर रहा हूँ तो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से ये भी सैचुरेशन भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे बात करते हैं पर्पल कलर एंड पिंक कलर की, यहाँ पे ये दोनों कैसे वर्क करेंगे। अब जैसे कि गाइस यहाँ पे पर्पल कलर और पिंक कलर तो है नहीं मेरी फोटो में, तो यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ अगर कहीं इफेक्ट पड़ रहा हो तो, बट अभी है नहीं तो यहाँ पे कोई इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ करके मैं नहीं दिखा सकता इसका, बट इनका भी सेम वैसा ही है जैसा अभी मैंने बाकी कलरों का आपको बताया मैंने, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा कलर का। अब गाइस चलते हैं यहाँ पे इफेक्ट वाले टूल पे। अब देखिए गाइस यहाँ पे टेक्सचर में क्या होता है गाइस, देखिए अब पहले मैं यहाँ पे फोटो को जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। अब देखिए गाइस जैसे कि मैंने फोटो को जूम किया, अब टेक्सचर में होता क्या गाइस, देखिए मान लीजिए मेरी फोटो भी ऐसी है, ठीक है। अब अगर मैं इसका टेक्सचर इंक्रीज करूंगा तो जैसे गाइस देख ले मेरे फेस के ऊपर आप देख रहे होंगे जैसे कि पार्टिकल्स टाइप के आपको दिख रहे होंगे, मैं अगर टेक्सचर को इंक्रीज करता हूँ तो वो चीज़ और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, यानी कि और भी क्लियर तरीके से दिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टेक्सचर को जब इंक्रीज़ किया तो अब गाइस जैसे ही मैं इसको डाउन करूँगा तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, यानी कि मेरा बैकग्राउंड सब कुछ स्मूथ हो जाएगा उसी तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। तो मैं इसको जैसे इंक्रीज़ करूँगा उसी तरह से यहाँ पे ये वैसे ही मतलब कि इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना समझ गए होंगे। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लियरिटी की। क्लियरिटी में क्या होता है गाइस कि अगर आप फोटो मतलब किसकी अगर आप क्लियरिटी को इंक्रीज़ करते हो तो आपकी पूरी फोटो में जितने भी मतलब जो भी चीज़ होंगी वो HD में हो जाएंगी, यानी कि आपकी फोटो जो है और भी ज़्यादा मतलब कि क्लियर दिखने लगेंगे, जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे, वो भी स्मूथ के साथ एक साथ, ठीक है। सब कुछ ऐसे हो जाएगा। अब बाकी इसको कम करोगे तो आपको पता ही है वही स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाएगी फोटो। बट यहाँ पे DAs को देखते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप DAs को अगर आप प्लस की तरफ करोगे मतलब माइनस की तरफ तो वो जो है कलर वलर सब कुछ रिमूव कर देगा, बाकी अगर आप इसको प्लस की तरफ करते हो तो यहाँ पे गाइस वो जो है मतलब कि और ज़्यादा थोड़ा ब्राइटनेस भी वहाँ पे थोड़ा सा ला देगा और जो है थोड़ा फोटो को डार्क सा कर देगा। अब बाकी गाइस विग्नेट की बात करते हैं, विग्नेट अगर आप प्लस माइनस करते हो तो यहाँ पे साइड में आपके शेडो टाइप की आ जाएगी, एंड फीदर को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो वो जो सर्कल है उसको गाइस एकदम स्मूथ कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मतलब कि एकदम शेप में आ गया, बट मैं अगर प्लस करूँगा तो स्मूथ होकर और थोड़ा गैप होकर जो है वो ब्लैक आ जाएगा ब्राइटनेस, ठीक है। अब मिड टोन में क्या होता है, मिड टोन में भी सेम वैसा ही है, बट वो थोड़ा सा जूम करके होता है और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्मूथली थोड़ा ऊपर तक ले जाता है, यानी कि मतलब हल्का रहने देता है वहाँ पे, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं नीचे वाला टूल में जो है ये वाला टूल, इसमें गाइस देखिए शार्पनेस जो होती है, शार्पनेस से क्या होता है कि आपकी फोटो एकदम HD क्वालिटी में हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप बात करोगे क्लियरिटी के साथ में तो क्लियरिटी से की तरह ही है बिल्कुल ये भी, बट ये क्या है कि कंप्रेस कहीं भी फोटो होती है तो वहाँ पे आपकी हेल्प करती है। बाकी नॉइज़ रिडक्शन में यही होता है कि आपकी फोटो में जो इतना भी नॉइज़ वगैरह होगा वो सब कुछ रिमूव हो जाता है, मतलब कि कलर वलर एडिट करते तो कुछ नॉइज़ आपके फेस पे भी आ जाता होगा, कपड़ों पे भी आ जाता है, तो इससे वो रिमूव हो जाता है। बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।